और अब आपको बताएं, मुस्लिम की पार्टी वाली कथित टिप्पणी के बाद राहुल गांधी के चुप्पी पर बीजेपी हमलावर हो गई है, और दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू मुस्लिम बंद करने की नसीहत दी है। पूरी खबर क्या है देखिए रिपोर्ट और समझिए। अखबार में जो छपा है वो तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है ना कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्यों खामोश है वो? पिछले दिनों उर्दू अखबार ने खबर छापी कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात में राहुल ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा और अपील की कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जिताएं। राहुल गांधी ने कहा है। सी हिंदुस्तान ने सबसे पहले 12 जुलाई शाम 7:30 बजे के बुलेटिन में यह खबर दिखाई। इसी अखबार का हवाला देकर आजमगढ़ में पीएम मोदी ने पूछा कि मुस्लिमों की पार्टी है तो 3 तलाक के खिलाफ क्यों है। कांग्रेस पहले ही अखबार की खबर का खंडन कर चुकी है और लगातार बीजेपी के हमलों का जवाब दे रही है। क्या उस अखबार का कोई नुमाइंदा उस मीटिंग में था? इस प्रकार के झूठे प्रायोजित समाचार आए दिन मोदी जी किसी न किसी अपने भक्त से छपवाएंगे। काला धन कब वापिस आएगा? 15-15 लाख सबके खाते में कब जाएगा? अच्छे दिन कब आएंगे? अब खबर तो समझिए कि बीजेपी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आखिर क्यों घेर रही है। तो पिछले साल गुजरात चुनाव के दौरान मीडिया में राहुल की जनेऊ वाली तस्वीरें सामने आई थी और गुजरात और कर्नाटक चुनाव में मंदिरों में पूजा अर्चना कर राहुल गांधी ने सुर्खियां बटोरी थी। अब मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात और कथित बयान पर राहुल चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश बैठे हैं। इसलिए बीजेपी इसे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है, ठहरा रही है।